क्लास नेट प्रॉब्लम के कारण बेटा क्लास में विलंब हो गया। अब आवाज सुनाई दे रही है ना आप सभी को? यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। चलो बेटा आप पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ से आपको सुनाई दे रहा था क्या मैं जब पढ़ रही थी थोड़ी देर में जो नार करने बैठती थी ये सुनाई दिया था क्या आप लोगों को? मैम लास्ट में तमाशा करने लग जाते थे वहीं तक ही सुना था। तमाशा करने लग जाते। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं यहाँ से ठीक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदे बनाते थे। घरौंदे जानते हो ना आप लोग, मिट्टी के जो बनाते हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती और टिनकों का छप्पर की जो धूल थी उसे हम मेड़ बनाते थे और दीवार बनाते थे। मैम यहाँ से नहीं तो तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं वहां से करवाने हैं। कहाँ से? इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में। अच्छा ये वाला क्या? यस तो मैम। मैंने पढ़ दिया था उस टाइम आपको सुना नहीं क्या बेटा? नो मैम आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं यहाँ से नहीं सुना था क्या? हेलो। नो मैम। चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। तो तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं तरह तरह के नाटक करते थे। वो एक चबूतरा होता था उसका कोना ही एक नाटक घर बनता था और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नाते थे वही रंगमंच बनता था। रंगमंच मैंने बताया आपको पहले कि रंगमंच किसे कहते हैं, जिसे आप स्टेज कहते हो ना, जिस पर हमारी सभी तरह की प्रतियोगिताएं है वो कराई जाती है, जो हमारे वार्षिक उत्सव है वहाँ होता है, हमारे अन्य जो कार्यक्रम हैं वो हमारे स्टेज पर आयोजित किए जाते हैं, तो वैसे ही उसको हिंदी में क्या कहते हैं, रंगमंच। तो वो रंगमंच किससे बनाते थे, खेलते थे ना बच्चे, तो उनके जो बाबूजी थे भोलानाथ के जो बाबूजी थे इनकी जो छोटी चौकी होती थी जहाँ वो जिस पर वो बैठकर नहाते थे उसी पर वो रंगमंच बनाते थे। उसी पर क्या करता था वो, एक कागज का चंदोवा है वो तान लेते थे और उसमें मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। चंदोवा यानी जो छोटा शामियाना, यानी जो जिस आप देखते हो कि किसी के शादी ब्याह होता है कोई उत्सव होता है तब आगे जो शामियाना लगाया जाता है बैठने के लिए ताकि किसी को धूप में दिक्कत ना हो, वैसे ही वो लोग भी क्या करते थे, एक कागज़ का चंदोवा तान लेते थे जिस पर क्या करते थे वो मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, यानी धूप नहीं लगे और मिठाई की दुकान बना लेते थे, उस पर चंदोवा तान लेते थे। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू पत्तों की पूरी कचौरियाँ गीली मिट्टी की जलेबियाँ फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाती थी। तो वह बच्चे ही थे तो बच्चों को खेलने के लिए क्या चाहिए, मिठाई की दुकान लगाते थे, तो उनके पास कोई सचमुच की मिठाई थोड़ी होती थी, वो जो चिलम होती है उसके जो वो खोचे होते हैं और उनसे खेलते थे। कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू जो कपड़े होते हैं वो उनके थाल बना लेते थे, उसमें वो लड्डू रख लेते थे और पत्ते होते थी जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उनकी कचौरियाँ बना लेते थे, गिल्ली मिट्टी होती थी उसकी जलेबियाँ बना लेते थे, और जो टूटे फूटे घड़े होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं उनसे वो बताशे बना लेते थे, और इस प्रकार वो अपनी मिठाइयों की दुकान है वो सजाते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ठीकरों के बटखरे से जो वो टूटे हुए घड़े होते हैं, टूटे फूटे घड़ों के जो टुकड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीकरे। तो उनके क्या करते थे, वे छोटे छोटे टुकड़े बना लेते थे और उनसे पैसे बना लेते थे, और उन्हीं में से आधे बच्चे तो क्या हो जाते थे, खरीदार हो जाते थे और आधे है वो बेचने वाले हो जाते थे। और उनके जो बाबूजी थे वो भी क्या करते थे, कभी कभी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी उनके पास आते थे और उनसे कभी ऐसे पैसे खरीद लेते थे, जैसे बच्चे बनाते थे ना टीकड़ों के, उनसे भी वो खरीद लेते थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, ये प्रश्न बड़ा बन सकता है कि बच्चे हैं वो अपनी जो मिठाइयों की दुकान है वो किस प्रकार सजाते थे या वो किस प्रकार खेलते थे, तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, कोष्टक में लगाएंगे। चबूतरे का एक कोना से लेके
और हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार, यहाँ तक सुनाई दे रहा है ना बेटा? हेलो। यस मैम। हाँ, यहाँ से चबूतरे यस का एक मैम। कोना से लेके हम ही खरीदार, हम ही दुकानदार, यहाँ तक कोष्टक में लगा लीजिए कि बच्चे किस तरीके से अपना खेल है वो खेलते थे और किस प्रकार अपनी दुकान है वो सजाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर में क्या करते थे, वो अपनी जो मिठाई है उसकी दुकान को तो वो बंद करते थे और घरौंदा बनाते थे, यानी घरौंदा यानी जो मिट्टी से बनाया जाता है घर जैसा, वो बनाने लग जाते थे। उसमें वो क्या करते, जो धूल होती और उसे दीवार बना लेते थे और तिनकों का छप्पर, छप्पर यानी जो डाला जाता है अपने ऊपर छत होती है वैसे ही वो क्या बनाते, तिनकों का छप्पर बनाते थे। और फिर दातुन के खम्भे बनाते थे, जो दातुन होते हैं करने के लिए उनसे खम्भे बना लेते थे। और दिया सिलाई की पेटियों से किवाड़, जो दिया सिलाई की होती है जो माचिस जिसे बोलते हैं हम, उनकी जो पेटी होती है उससे वो किवाड़ बना लेते थे। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, और जो घड़ा होता है उसका जो मुंह होता है उसको उससे वो चूल्हा चक्की बना लेते थे। और दिए की कढ़ाई, जो दिया होता है उससे वो खेल खेल में उसको कढ़ाई बना लेते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, और बाबूजी की जो पूजा की जो पूजा वाली जो आचमनी थी जिससे वो पूजा करते थे उनसे वो कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार यानी भोज या दावत की, पानी के पानी से पानी का घी बना लेते थे और धूल के पिसान कर लेते थे, और बालू जी की बालू की चीनी से यानी बालू को क्या बना लेते थे, चीनी से हम लोग जोनार, जोनार यानी भोजन तैयार करते थे। और हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग को जोनार बैठती थी कि हम ही लोग, वो लोग ही तो खुद ही तो क्या करते थे, भोजन करते थे, और हम ही लोग को जोनार बैठती थी, जोनार बैठती थी यानी वो ही भोजन करने वाले और वो ही भोजन कराने वाले, दावत देने वाले। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांच के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती यानी झूठ मूठ में नाटक करने लग जाते थे वो खाना खाने के लिए, तब बाबूजी भी उनका मन बहलाने के लिए क्या करते थे, धीरे से आकर उनके पास जमीन पर बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते, और जैसे ही बाबूजी उनको खुश करने के लिए जब उनके पास आते तो वो क्या करते, उनको वो लोग हंसने लग जाते और जो उन्होंने घरौंदा बनाया था उसको बिगाड़ कर यानी उसको फोड़ फाड़ कर वहाँ से भाग चले आते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। बाबूजी थे उन बच्चों की ऐसी क्रिया करते बहुत खुश होते और वो उनसे पूछते कि और कब भोज होगा भोलानाथ, कि अब भोज है, वो दावत है, अब कब होगी, ऐसा वो उनसे पूछते। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। भोलानाथ है वो अपने खेल के विषय में बता रहा है कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कभी कभी ऐसे हम लोग बारात भी निकालते, उसका भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तबूरा बस्ता, अमोले की घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले यानी आम का उगता हुआ जो पौधा है उसको घिसकर एक शहनाई बनाई जाती। और टूटी चूही दाने की पाल की बनती, जो टूटी हुई चूही दाने है जो किसी काम की नहीं। अरे तेरा नंबर यार, तू मैडम, मैडम आ गई। मैडम माइक कौन करो, माइक कौन करो, हेलो। यस मैडम। मेरी नेट प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आज नेट प्रॉब्लम के कारण क्लास है वो बार बार में
डिस्टर्ब हो रही है आपको। अभी तक जो पढ़ाया इसमें से कुछ पूछना है क्या? हेलो नो मैडम। हाँ, इस जनरल चैप्टर बेटा मैंने पढ़ाया है उसको आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और कल आपका जो टेस्ट है उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा।